तो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 5वीं की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उस कहानी का नाम है योग्य चुनाव। तो इस कहानी में क्या है, चलिए देखते हैं। राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवामुक्त करने की विनती की। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवामुक्त किया जा सकता है। तो देखिए, एक राजा है, उनका नाम है मंगल सेन और उनके जो मंत्री है उनका नाम है जगत राम। तो जगत राम जो है मंत्री, वो बूढ़े हो चुके हैं। उन्होंने एक दिन राजा के पास स्वयं जाकर कहा कि मैं सेवामुक्त होना चाहता हूँ, तो मुझे आप सेवामुक्त कीजिए। तो मंगल सेन क्या कहता है जी, देखिए कि पहले आप सेवामुक्त होने के पहले आप क्या कीजिए कि आपके जैसा सेवाभावी, परोपकारी, ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आप सेवामुक्त होंगे। तो देखिए, इन दोनों दोनों की बात होने के बाद आगे क्या होता है, आगे जगत राम क्या करता है, चलिए देखते हैं। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हकारे गांव गांव ढिंढोरा पिटने लगे। तो देखिए कि जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। अगले गुरुवार को क्या, मंत्री का चयन किया जाएगा। इस पद के इच्छुक, जो इस पद के इच्छुक है, जिसकी इच्छा है ये पद प्राप्त कर लेना, वो 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। तो हकारे गांव गांव ढिंढोरा पिटने लगे, दमंडी देने लगे। और देखिए आगे क्या होता है, दमंडी चयन वाले देने के दिन बाद राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही बहुत सारे लोग, नवयुवक, बहुत सारे लोग जा रहे थे। तो सैकड़ों की संख्या में बहुत सारे लोग उसी रास्ते पर जा रहे थे। और उसी रास्ते पर, राज दरबार की रास्ते पर एक तरफ, उसकी ही बाजू में एक वृद्ध हताश सा बैठा था, परेशान सा बैठा था। तो उसकी परेशानी का क्या कारण है, चलिए आगे देखते हैं। उसकी बैलगाड़ी का पहिया, एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राजदरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। तो क्या हुआ है कि वृद्ध हताश सा बैठा है। और उसका क्या क्या कारण है कि उसकी बैलगाड़ी का जो पहिया है और रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया है। कीचड़ में फंसा पहिया निकालने की कोशिश कर रहा है और वो असफल रह रहा है। उसका पहिया नहीं निकल रहा है, प्रयास कर रहा है वो निकालने की पर पहिया नहीं निकल रहा है। और उसी रास्ते पर नवयुवक जा रहे हैं पर सिर्फ उसे देख रहे हैं कि वो वृद्ध पहिया निकालने की कोशिश कर रहा है, उसकी सहायता कोई नहीं कर रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो उनकी मदद के लिए कौन आता है, चलिए आगे देखते हैं। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राजदरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। तो देखिए कि उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली युवक नवयुवक था। वह तेजी से
राजदरबार की ओर जा रहा था, उसे भी इच्छा थी वो नए मंत्री का जो चुनाव होने वाला है उसी में शामिल होने के लिए जा रहा था। और वो तेजी से, जैसे लगता है कि उसे बहुत देर हो गई है पहुंचने में, तो वो बहुत तेजी से जा रहा था राजदरबार की ओर। उसी समय बैलगाड़ी वाला क्या करता है देखो, वृद्ध क्या करा, फिर एक बार भैया कीचड़ से बाहर निकालने की प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर कर्मवीर क्या किया कि कर्मवीर ने दरबार में पहुंचने की न चिंता करते हुए कीचड़ में उतरा, सीधे वो कीचड़ में उतरा, जोर लगाकर, देखिए आगे क्या होता है, जोर लगाकर उसने पहिया, जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। देखिए क्या हुआ है कि जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का जो पहिया है कीचड़ से बाहर निकाला है। वृद्ध ने उसे ढेरों, जो वृद्ध है उसने ढेरों आशीर्वाद दिए हैं और कुछ इनाम भी दिए, पर कर्मवीर ने वो विनम्रता से मना कर दिया। उसे भी इनाम नहीं चाहिए था, उसने सिर्फ सहायता की थी, बूढ़े आदमी थी, देर हो जाने की आशंका थी, उसे शंका थी कि वो दरबार जाने के लिए देर हो रही है। तो वह कर्मवीर दरबार भागते दौड़ते, और वो भागा और दरबार पहुंचा, वो हाँफ रहा था, कीचड़ से सने हुए कपड़े लेकर वो दरबार पहुंचा। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तो देखिए आगे क्या हुआ है कि सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे। तो देखिए क्या हुआ है, वो देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा है, वह हाँफ रहा था, कीचड़ से सने हुए उसके कपड़े थे, सारे उम्मीदवार उस पर हंस रहे थे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध कोई और नहीं स्वयं जगत राम थे। तो देखिए आगे क्या हो रहा है कि उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, महाराज कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के उच्च पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है, आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। तो क्या हुआ है, सारी घटना देखो, इन्होंने सारी घटना जो घटी रास्ते पर घटना जो है, वो ढेरों सैकड़ों लोग उम्मीदवार जा रहे थे दरबार की ओर, तो किसी ने उस वृद्ध की सहायता नहीं की थी। सिर्फ एक प्रतिभाशाली नवयुवक था, उसका नाम था कर्मवीर, उसी ने वृद्ध की सहायता की थी और विनम्रता से दिया हुआ इनाम नहीं लिया था। इसी से खुश होकर, वो वृद्ध कोई नहीं थे, स्वयं मंत्री जगत राम थे, उन्होंने योग्य चुनाव के लिए वो सब कुछ किया था और सारी घटना फिर राजा को बताई, और उन्होंने प्रसन्न होकर, उन्होंने सामान्य आदमी की पीड़ा से जो दुखी होता है उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के उच्च पद पर बैठने का अधिकारी होता है, ऐसा राजा ने कहा। और बच्चों यह कहानी यही समाप्त होती है। सुधा शर्मा जी ने बहुत अच्छी तरह से कहानी हमें बताई है और बहुत अच्छा लगा, और हमें भी इसी तरह से कर्मवीर बनने की कोशिश करनी चाहिए। कर्मवीर बहुत अच्छा प्रतिभाशाली युवक था। धन्यवाद, शुक्रिया।